देखिए भाजपा टीके पे ही खेलेगी। आदिवासी के मुंह में हम लोगों ने नहीं किया, आदिवासी बहनों के साथ ये भाजपाइयों ने उनकी सरकार हुआ। सदन की प्रॉपर्टी था वो डिलीट हो गया। मैंने क्या कहा था, मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी इतना तेज कैसे हो गए। आदिवासी समाज कभी भी भाजपा का नहीं हो सकता, भाजपा की तरह कभी भी साथी नहीं हो सकता। और ये जिस प्रकार भाजपा के लोग जब हमारे राहुल गांधी जी को नहीं छोड़े तो इरफान हाशिम क्या छोड़ेगा, क्रॉप करके वीडियो चला देता है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इन सब पर केस करने जा रहा हूँ। आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी मैं हूं। आपकी बात को स्पीकर साहब ने भी एक्सपंज करवा दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि जब सदन की बातों को बाहर नहीं आना चाहिए, जब वहाँ पे खेद हो गया तो फिर ये बात क्यों आ रहा है। इन बेईमानों ने, इन भाजपाइयों ने, सुनिए, हमारी बहनों के साथ बलात्कार करवाया, हमारे आदिवासियों के साथ उनके सर करवाई भाजपा के लोग, पहले इसका हिसाब दे। इरफान जी भाजपा पहले बोलिएगा उनसे। इरफान जी, इरफान जी, आप देखिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। जब देखिए मेरी बात सुनिए, जब जो मामले थे, मैंने किसी समाज को तो नहीं कहा, मैंने बाबूलाल जी को कहा कि इतना एक शरीफ आदमी भाजपा के ऑफिस में जाता है और वहाँ से लौटता है तो इतना सातिर कैसे हो जाता है। आप पूरी बात आप लोग देखे होंगे, ये मामला सदन की प्रॉपर्टी है, सदन की प्रॉपर्टी बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं तो केस करने जा रहा हूँ, आज मैं स्पीकर साहब से मिलूंगा कि मामले को आप जो ट्विस्ट करना चाहते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, याद है ना आपको क्या कहा था, देश के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या कह दिया, उल्टा कह दिया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। तो क्या मैं चला देंगे ट्वीट में क्या, तो आप क्या भाजपा सुने, बिल्कुल मैं कहना जी बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, जब ये प्रोसीडिंग से मामला हट गया तो बात खत्म हो जाना चाहिए। मैं गलती किस बात का, मैं चला दे बात, हमने सुनिए। मैंने कहा बाबूलाल जी, बाबूलाल जी एक शरीफ इंसान है, भाजपा में क्या चले गए और एकदम आग उगने लगे। और मैंने कहा आदिवासी कभी भी भाजपा के तरह तेज नहीं हो सकता, ये कहा मैंने। तो क्या आप कॉल कर दीजिएगा, माफी मांगिएगा? अरे भाई मैंने क्या, उन्होंने बहनों का, आदिवासी बहनों का इसका हिसाब चाहिए। मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी के सर में किया, इसका हिसाब चाहिए। और ये क्या बात करेंगे ये लोग। और मैं कह रहा भाजपा के जो आईटी सेल को कहूंगा 24 तक रुक जाओ तुम लोग, राहुल गांधी जी को नहीं छोड़ा, कह दिया आलू डालोगे सोना निकलेगा। इरफान अंसारी को बताइए साहब, क्रॉप करने में इतना एक्सपर्ट हो गया आप लोग, चौबीस तक रुकिए। हम भी मरमाहित है इस बयान को लेकर, कहा है अब देखिए कोई ऐसी बात नहीं, खेत सर्वेक्ट करने से मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए खेत की बात, देखिए जब मैंने कहा कि मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ, आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ, मैं बाबूलाल जी को कह रहा था, मांग रहे हैं कि गलती हो गई इसीलिए स्पीकर साहब ने वहाँ पे हटा दिया, आप खेत प्रकट कर दीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इनके पास मुद्दा ही नहीं रहेगा। खेत की बात है, सुनिए मेरी बात, मैंने कहा कि वहाँ पे जो बातें आ रही थी, तो आवेश में जब हमारी बहनों के साथ करवाएगा ये लोग, जब आदिवासी के मुंह में भी निकल जाएगा बात। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।